everyone, this is Vikas Kumar. You are all watching Marine Tutor Marine Engineering Lecture. First of all, welcome to Engine Roommate EG Lecture Series. In this lecture series, we will going to deal with Engine Room Management Subjects Topics. Okay, इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा इंजन रूम मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर. ओके, इंजन रूम मैनेजमेंट रिफर्स टू, आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीन्स की मेंटेनेंस बताऊंगा, जितनी ऑल पॉसिबल ऑक्सिलरी मशीन्स आपकी जो शिप्स में प्रेजेंट है उनकी मेंटेनेंस बताऊंगा. ओके, एंड ये मेंटेनेंस जितनी भी मैं बताऊंगा सारी थ्योरिटिकली बताऊंगा. एंड यस, आप इजीली, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, थ्योरिटिकली आप साउंड होगे, तो आप इजीली प्रैक्टिकली वहां पर आप रिलेट कर सकते हो. ओके, सो पूरी थ्योरिटिकली लेक्चर्स होने वाली है. ओके, सो मैं आपको इस लेक्चर्स में बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीन्स की मेंटेनेंस पर बात करूंगा. ओके, उसकी ट्रबल शूटिंग्स पर बात करूंगा. ओके, मेन इंजन की स्पेसिफिकेशंस पर बात करूंगा, मेन इंजन की कंपोनेंट्स पर बात करूंगा, मेन इंजन की कंपोनेंट्स के ट्रबल शूटिंग्स पर बात करूंगा, उसकी मेंटेनेंस पर बात करूंगा. ओके, मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ वीकली, मंथली, ईयरली. ओके, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा. सो इंजन रूम मेट इजी. ओके, इंजन रूम मेट इजी आपकी लाइफ ऑन बोर्ड शिप में लाइफ को इजी बनाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अगर मैं इस लेक्चर सीरीज की एडवांटेज की बात करूं, अगर आप ये पूरी लेक्चर सीरीज देखते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा मिलेगी. यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स व्हाट? फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होती है ERM, दैट इज इंजन रूम मैनेजमेंट, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. क्योंकि लेक्चर्स, अगर आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हो तो काफ़ी आपको बोरिंग फील होती होगी, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंजन्स की बात होती है, ऑक्सिलरी मशीन्स की बात होती है, उसकी मेंटेनेंस पर बात होती है, ट्रबल शूटिंग्स पर बात होती है. ओके, तो ये काफ़ी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है. ओके, सो प्लीज इसे बोरिंग मत बनाओ. ओके, सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो डाउट. ओके, नेक्स्ट थिंग मैं अगर बात करूं, तो अगर आप MEO क्लास 2 ओरल्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो ये काफ़ी आपको हेल्प दिलाएगी. क्योंकि MEO क्लास 2 ओरल्स में काफ़ी मेंटेनेंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी ट्रबल शूटिंग्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीन्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो ये आपको MEO क्लास 2 ओरल्स में भी काफ़ी हेल्प दिलाएगी. आप MEO क्लास 2 ओरल्स क्लियर भी कर सकते हो. ओके, एंड थर्ड अगर पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं बात करूं, तो आपकी ऑनबोर्ड लाइफ इजी होगी. आप ऑनबोर्ड लाइफ में पॉलिसी समझ पाओगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट समझ पाओगे, एटलीस्ट ऑक्सिलरी मशीन्स की तो आपको थ्योरिटिकली मेंटेनेंस आपको पता होगी. यस, मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर आप कुछ चीज़ें करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली साउंड होती है एंड आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो. बट मैं ये भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, तो आप जिन लोगों की प्रैक्टिकली, ओनली वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे डिपेंड करते हैं, एंड अगर उनकी थ्योरी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं शिप पर. बट जिन लोगों की थ्योरी भी बहुत अच्छी है, थ्योरिटिकल नॉलेज भी है, थ्योरम्स, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइक जनरल एंड फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स रिलेट कर पा रहे हैं ऑनबोर्ड शिप्स में, एंड वहाँ पर भी प्रैक्टिकली परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हैं, तो वाकई में उन लोगों की एक टेक्निकली नेक्स्ट लेवल पे टेक्निकल नॉलेज होती है. एंड मैं ये दोनों चीज़ों पर इक्वली बिलीव करता हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस. आज की फर्स्ट टॉपिक हमारी होगी वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशन. ओके, नाउ व्हाट इज वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस? ओके, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में डिफरेंट डिफरेंट वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती है, उन टर्म्स पे मैं बात करूंगा. ओके, एंड पैरेलली वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस पर ही एक क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, जिस क्वेश्चन से मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, मुझे इजी फेस होगी. ओके, तो वो क्वेश्चंस है, एंड आवर टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट सिस्टम ऑफ वॉच कीपिंग इज यूजुअली अडॉप्टेड ऑन बोर्ड इन ए ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स एंड UMS शिप. तो एक्चुअली वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ शिप. टाइप्स ऑफ शिप्स मीन्स इंजन रूम. यहां पर जितनी मैं बात करूंगा इंजन रूम रिलेटेड बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, टाइप ऑफ शिप मीन्स इंजन रूम में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है. दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनली मैंड वेसल. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनली मैंड वेसल. क्लियर? एंड सेकेंड वन इज
UMS stands for unattended machinery space. UMS stands for unattended machinery space. So first of all, watchkeeping configuration is classified into two types in terms of engine room. Traditionally manned vessel. Second one is unattended machinery space. अब वॉचकीपिंग configurations के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है? मर्चेंट नेवी में अगर आप हो और आप सेल कर रहे हो या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ग्रेजुएट हो, जो भी हो, ओके, आप डिफरेंट डिफरेंट एमयूस के प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आपको पता होती है शिप्स में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं एंड आपकी जो डिपार्टमेंट है वो इंजन डिपार्टमेंट है. ओके, अगर ये कोई लेक्चर्स डेक डिपार्टमेंट का कैडेट या डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स देख रहे होंगे, तो आपकी डिपार्टमेंट डेक डिपार्टमेंट होगी एंड वन मोर डिपार्टमेंट होती है गैली डिपार्टमेंट. तो जो इंजन डिपार्टमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म ऑफ इंजन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं इंजन रूम की बात कर रहा हूं. ओके, सो इंजन डिपार्टमेंट में जो क्रू होते हैं उसे मैं बोलूंगा इंजन क्रू. तो इंजन क्रू की फॉर्मेशंस कैसे होती है, सबसे पहले मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा. इंजन क्रू की फॉर्मेशंस, और बोल सकता हूँ इंजन क्रू कंसिस्ट ऑफ आपके चीफ इंजीनियर होते हैं हाईएस्ट पोजीशंस पे, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, मोटरमैन, ओके, वाइपर, ओके, इंजन फिटर, जूनियर इंजीनियर एंड इंजन कैडेट. ओके, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए. तो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशंस में टर्म मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बता दिया. तो नाउ, अब नंबर ऑफ इंजीनियर्स डिपेंड करते हैं एंड नंबर ऑफ क्रू. क्रू हियर रेफर्स टू ऑल, चीफ इंजीनियर टू मोटरमैन टू इंजन फिटर टू इंजन कैडेट. ओके, नाउ, तो इन ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स, ओके, एंड UMS, सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रू में थोड़ी वेरिएशन आती है. ओके, उस पर मैं बात करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल UMS शिप की अगर मैं बात करूं, तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. ओके, इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा. ओके, इंजन रूम मैनेजमेंट में ही ये लेक्चर्स आने वाली है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर्स ही होगी. ओके, सो UMS शिप्स की मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा, रिक्वायरमेंट्स. ओके, अगर शिप में क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसे बोलूंगा UMS शिप, उस टॉपिक पर मैं लेक्चर बनाऊंगा. आज की टॉपिक है UMS शिप की वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी एंड ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स की वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी. क्लियर ना? ट्रेडिशनली मैंड वेसल, ओके, ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स की अगर बात करूं वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस, तो जॉब यहां 4 to 8 मैं क्लासिफाई करूंगा. ओके, 8 to 12, 12 to 16, ओके, जो टाइम होती है, ओके, वो मैं शो किया हूँ. 4 to 8 मीन्स अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर अगर मैं डील करूँ तो 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, ओके, 16 ईयर रेफर्स टू इवनिंग 4 PM. ओके, लाइकवाइज, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओके, 16 to 20, 20 to 0000, ओके, 0000 to 0400, क्लियर? ये हमारी वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती है ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स में. क्लियर? वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स में. अब ना 4 to 8 and 16 to 20, ओके, यहां पर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल मीन्स ड्यूटी इंजीनियर. ओके, ड्यूटी इंजीनियर, ओके, यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटी इंजीनियर जो होते हैं, एंड यस, मार्क माय वर्ड, एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉम्पिटेंट. ओके, कॉम्पिटेंट रिफर्स टू मीन्स आपने COC क्लियर कर लिया है. COC की जो भी MEO क्लास 4, एटलीस्ट MEO क्लास 4 ओरल्स आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, तब आप कॉम्पिटेंट इंजीनियर होगे. तो आपको जितनी वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगी, ओके, ट्रेडिशनल मैंड वेसल्स एज वेल एज UMS शिप में, जितनी वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, एटलीस्ट वन कॉम्पिटेंट इंजीनियर ईच वॉचकीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस में प्रेजेंट होंगे. क्लियर है? तो 4 to 8 और 16 to 20, यहां पर सेकेंड इंजीनियर अलोंग विथ जूनियर इंजीनियर
ओके, प्लस वन मोटरमैन, ये आपकी वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी। नाउ 8 to 12 to 22 00 00, ओके, यहां पर फोर्थ इंजीनियर अलोंग विथ मोटरमैन, क्लियर, ओके। एंड यस, फिटर की रिक्वायरमेंट तो वो डिपेंड करती है, ओके, आप मे बी फिटर्स की रिक्वायरमेंट्स कभी भी हो सकती है, ओके ओके। नाउ 12 to 16 और 0 to 4, ओके, यहाँ पर थर्ड इंजीनियर अलोंग विथ मोटरमैन। नाउ अब ट्रेडिशनल मैन वेसल्स में मोटरमैन मोस्ट ऑफ द शिप में आप देखोगे मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 3, वन चीफ इंजीनियर, वन थर्ड इंजीनियर, वन सेकेंड इंजीनियर, ओके, वन और टू फोर्थ इंजीनियर, वन जूनियर इंजीनियर और इंजिन कैडेट, जूनियर इंजीनियर और इंजिन कैडेट, 3 मोटरमैन, 1 वाइपर एंड 1 इंजन फिटर, क्लियर, इतनी आपको क्लियर है। तो 3 मोटरमैन मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, तो आप देख सकते हो 1 मोटरमैन, सेकेंड मोटरमैन एंड थर्ड मोटरमैन, क्लियर। तो ये हमारी ट्रेडिशनल मैंड वेसल्स की वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशन है, आई होप इतनी आपको क्लियर होगी, ओके। बट यस, सपोज आपकी शिप्स पोर्ट पे एंटर कर रही है, आपकी शिप्स कैनल से पास हो रही है, आपकी शिप्स चैनल से पास हो रही है, तो वॉच कीपिंग में चीफ इंजीनियर अलोंग विद इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स भी प्रेजेंट्स होते हैं, नो डाउट, ओके, चीफ इंजीनियर अलोंग विद इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड ये जो वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस है, ओके, ये कब डिसाइड होती है, ओके, कब डिसाइड होती है, ये एक टूल बॉक्स मीटिंग होता है, वो अगेन मैं इसी लेक्चर सीरीज में लाऊंगा, पूरी लाइक डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में लाऊंगा, जहां पर सेकेंड इंजीनियर इंचार्ज होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अदर कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स को एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस एंड वर्क पर, ओके, तो वो टूल बॉक्स मीटिंग होता है मॉर्निंग में, तो वो टॉपिक्स पर भी मैं अलग से वीडियोज इस पर लाऊंगा, ओके, तो इतनी आपको आई होप क्लियर होगी। नाउ अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा, वॉच कॉन्फ़िगरेशंस ऑन यूएमएस शिप, वॉच कॉन्फ़िगरेशन, वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन यूएमएस शिप। सो यूएमएस अगेन स्टैंड फॉर अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस। सो अगेन मैंने लेक्चर्स की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ओके, लाइक इंजन स्क्रू में स्लाइट वैरी होती है इन टर्म्स ऑफ योर, अगर आपकी इंजन रूम अनअटेंडेड मशीनरी वेसल शिप्स है, ओके, या आपके इंजन रूम ट्रेडिशनली मैंड वेसल है, ओके, उस पर डिपेंड करता है। सो इससे पहले मैंने ट्रेडिशनली मैंड वेसल्स में आपको बताया था 3 मोटरमैन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 to 3 मोटरमैन की रिक्वायरमेंट होती है, बट यूएमएस वेसल्स और यूएमएस शिप्स में ओनली 1 मोटर्स इनफ होते हैं, ओके, तो अगेन इंजन स्क्रू में स्लाइटली डिफर हो रही है, ओके, आप देख सकते हो। नाउ सेकेंड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, इसकी वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूँ, तो इसकी वॉच कीपिंग फ्रॉम 8 to 17, 8 मीन्स योर 8 AM मॉर्निंग एंड 17 मीन्स 5 PM इवनिंग, ओके, 8 to 17 PM यहाँ पर वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशंस चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, ETO, जूनियर इंजीनियर और इंजन कैडेट, 1 मोटरमैन और 1 फिटर और इंजन फिटर प्रेजेंट होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है, वॉच कीपिंग कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सेकेंड वन इज फ्रॉम 17 to 21 एंड फ्रॉम 22 to 7, ये जो मैंने टाइमिंग लिखा है, इस टाइमिंग में जो इंजन रूम होती है इज पुट ऑन यूएमएस, इंजन रूम पुट ऑन यूएमएस, दैट इज अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस, क्लियर, ओके, इतनी आपको क्लियर है। नाउ एट और बिटवीन 21 to 22, सो बिटवीन 21 to 22 यहाँ पर यूएमएस चेकलिस्ट प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है, यूएमएस चेकलिस्ट प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है। सो इस चेकलिस्ट प्रोसीजर्स में जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होते हैं,
इस टाइम में जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होंगे ओके वो रोटेशन वाइज होती है, जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होते हैं वो रोटेशन वाइज होती है। मे भी यहाँ थर्ड इंजीनियर हो सकते हैं, मे भी सेकेंड इंजीनियर, मे भी फोर्थ इंजीनियर, बट बी इंश्योर कॉम्पिटेंट इंजीनियर ही होंगे, बट इन रोटेटिंग और रोटेशन वाइज होते हैं ओके पर डे रोटेशन वाइज होते हैं ओके। सो जो 21 टू 22 के टाइमिंग में यूएमएस चेकलिस्ट फिल की जाती है ओके विच इज अप्रूव्ड बाय कंपनी ओके। सो यूएमएस चेकलिस्ट में जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स प्रेजेंट होते हैं उस टाइम में वो फाइल फिल अप करते हैं, लाइक जितनी इंजन्स हैं और ऑक्सिलरी मशीनरीज हैं वो प्रॉपर फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो चेकलिस्ट में फाइल की जाती है ओके। एंड सेकेंड फैक्टर इज डेड मैन अलार्म टेस्ट किया जाता है बिफोर 22, क्योंकि अगेन एट 22 अगेन योर बोल सकता हूँ इंजन रूम इज अगेन पुट ऑन यूएमएस मोड ओके। ये अगेन एट 22 में यूएमएस मोड में इंजन रूम को पुट की जाएगी। सो बिफोर 22 ओके बिटवीन 21 टू 22 ओके यहाँ पर आपकी डेड मैन अलार्म टेस्ट की जाती है। मैं बताता हूँ, दो मिनट बाद मैं बताऊंगा डेड मैन अलार्म, आफ्टर टू मिनट बाद मैं ब्रीफ करूंगा डेड मैन अलार्म सिस्टम क्या होता है। तो डेड मैन अलार्म सिस्टम की कम्युनिकेशंस टेस्ट की जाती है, इंजन रूम एंड ब्रिज और नेविगेशंस के बिटवीन कम्युनिकेशंस को टेस्टेड की जाती है ओके। सो डेड मैन अलार्म टेस्ट की जाती है, क्लियर। नाउ एट 22 अगेन इंजन रूम इज पुट ऑन यूएमएस मोड, यहाँ पर अगेन यूएमएस मोड पुट की जा रही है इंजन रूम को ओके। अब ना अब जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होता है, अब सी अब सपोज इंजन रूम्स में अलार्म रेज होती है ओके, इंजन रूम में सपोज अलार्म रेज हो गई ओके ड्यू टू सम एबनॉर्मल मतलब फंक्शंस के चलते इंजन रूम में कुछ अलार्म रेज हो गई। सो जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होगा उसके केबिन में भी वो लाइक अलार्म होगी, वो रेज होगी ओके वो भी अलार्म रेज होगी। इंजन रूम में अलार्म रेज हो गई है ओके। सो इंजन रूम में अलार्म रेज होने के बाद जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होगा उसके केबिन में भी अलार्म रेज होगी। मीन्स वाट, इसी को मैं बोलता हूँ वॉच कॉल यूनिट, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वॉच कॉल यूनिट ओके। तो इसे मैं बोलूंगा वॉच कॉल यूनिट। आप फिगर में देख सकते हो, ये इमेज है वॉच कॉल यूनिट की ओके। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं, लाइक आपकी एवरी इंजन स्क्रू के रूम में होंगे ओके, मींस ईच केबिन्स में होते हैं, सारे केबिन्स में होते हैं ओके वॉच कॉल यूनिट। आपकी मेस रूम में होंगे ओके, आपकी लाइक जिम्स में होंगी ओके, डिफरेंट डिफरेंट एकोमोडेशंस में प्रेजेंट होती है वॉच कॉल यूनिट। तो वॉच कॉल यूनिट्स में अलार्म सिस्टम्स होती है जिससे केबिन में भी अलार्म रेज होती है ओके। सो इससे क्या होता है, जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होता है वो अपने केबिन में अलार्म को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नोलेज करता है। आफ्टर दैट ओके वो ही और सी में गोज डाउन टू द इंजन रूम ओके एट ECR जगह वो जाता है, एंड अगेन ECR में भी डेड मैन अलार्म जो होता है उससे वो एक्नोलेज करता है। सो नाउ व्हाट इज डेड मैन अलार्म, डेड मैन अलार्म को वो एक्नोलेज करता है ओके, डेड मैन अलार्म। अब आफ्टर दैट अब वो इंजन रूम में प्रेजेंट है, डेड मैन अलार्म को एक्नोलेज कर चुका है। सो अब क्या होता है, अब जो भी इंजीनियर्स होगा, जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स होगा वो एवरी ईच 15 मिनट्स में वो डेड मैन अलार्म को एक्टिवेट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी नेविगेशन साइड और ब्रिज में जो भी ड्यूटी लाइक ऑफिसर्स होगा ओके, उसे पता चलेगा कि यस नीचे सब चीज़ ठीक है ओके, बिलो सब चीज़ ठीक है, इंजन रूम में सारी चीज़ें ठीक है। एवरी 15 मिनट्स में डेड मैन अलार्म के थ्रू वो एक्नोलेज करेगा ड्यूटी इंजीनियर्स, एंड इससे ब्रिज पे भी जो ऑफिसर्स होगा वॉच पर उसे भी पता चलेगा कि हाँ इंजन रूम में सारी कंडीशंस ठीक है, क्लियर। सो वो हमारी डेड मैन अलार्म होती है। नाउ सपोज अगर जो भी ड्यूटी इंजीनियर्स है अगर वो 15 मिनट्स में अलार्म रेज नहीं करता है, वो एक्टिवेट नहीं करता है, जो भी डेड मैन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है विद इन ईच 15 मिनट्स में, तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप 15 मिनट्स के बाद आफ्टर 3 मिनट्स बाद ऑटोमेटिकली एक और अलार्म रेज होगा, उसे मैं बोलूँगा जनरल अलार्म। अब जनरल अलार्म अगेन डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लगी हुई होती है ओके। अगेन अब जितने इंजीनियर्स हैं ओके, सारे इंजीनियर्स एज ए इमरजेंसी कंडीशंस
इंजन्स रूम में आएंगे। ओके, तो ये हमारी होती है जनरल अलार्म। ओके, वो ऑटोमेटिकली जनरल अलार्म रेज हो जाती है। कब हो जाती है? जब इंजीनियर्स आपके इंजन रूम में है, ओके, एंड वो वर्क कर रहा है, ओके, एंड अगर वो डेड मैन अलार्म, आफ्टर 15 मिनट्स बाद वो डेड मैन अलार्म रेज नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली, ओके, ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद, आफ्टर 15 मिनट, ओके, 3 मिनट और वो टाइम लेगा, एंड अगेन 3 मिनट के बाद एक जनरल अलार्म रेज होगी, जिससे सारे इंजीनियर्स इंजन्स रूम में आ जाएंगे एज ए इमरजेंसी कंडीशंस, ऐसे सोचकर। ओके, इतनी आपको क्लियर है? नाउ अगेन एक और कंडीशंस होती है, दैट इज इंजीनियर्स कॉल अलार्म। इंजीनियर्स कॉल अलार्म, ओके, सपोज आप ड्यूरिंग यूएमएस मोड, ओके, ड्यूरिंग यूएमएस मोड आपको एज ए कुछ असिस्टेंस चाहिए, कोई इंजीनियर्स चाहिए हेल्प के लिए, तो आप सिंपली इंजीनियर्स कॉल अलार्म प्रेस कर सकते हो। ओके, अगेन आपके पास इंजीनियर्स आ जाएंगे। ओके, तो ये यूएमएस सिप्स होती है, ओके, दैट इज अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसे ऐसे काफ़ी टॉपिक्स मैं आपको लाऊंगा, रूल्स, रेगुलेशंस, मेंटेनेंस, ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स आएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज़ नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो आपके लिए कितनी लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव रही। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीनी ट्यूटर। थैंक यू।